25 है, 27 है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 27 है, 28 है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं आपको सरसरी सरसरी बताऊंगा। अब कहता है कि जी जब ये एक्ट बन गया सर तो इम्पोर्टेंट सेक्शन दोबारा बताएगा। मैडम आगे 19 है आपका, 21 है, 25 है, 26, 27 है, 28 भी है। क्या कहता है, कहता है द गवर्नमेंट शेल इस्टेब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल इन डिस्ट्रिक्ट एज आर एनी एरिया एज डीम नेसेसरी। डिस्ट्रिक्ट में लाजमी होगा, बाकी तहसील लेवल पे भी वो चाहे तो बना सकती है। अब तहसील लेवल पे भी आपके कोर्स हैं रेंट ट्रिब्यूनल की, ठीक हो गया। उसके बाद एक से ज्यादा जितनी जज कोर्ट के को लगेगा वो रखेगी, ठीक है। और उसमें एक उन सारे जजेस में एक जज जो होगा वो आपका स्पेशल जज रेंट होगा, जिसको आपका वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा, वहीं पे आपकी डायरी होगी और आपका उसको जो है वो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगी। जो डायरी आप करेंगी स्पेशल जज रेंट को करेंगे, और वही आपको डायरी भी वही होगी। आगे कहता है गवर्नमेंट जो है एक रेंट रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ने एक रेंट रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना है। आगे कहता है दी रेंट रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर मेंटेन रखेगा, रेंट रजिस्ट्रार मेंटेन रखेगा, जिसमें टेनेंसी एग्रीमेंट की पार्टिकुलर्स वो लिखा करेगा। मतलब कोर्ट पहले कोर्स गवर्नमेंट कोर्स बनाएगी, फिर रेंट रजिस्ट्रार भी को भी अपॉइंट करेगी। आगे कहता है स्टाफ, सर एक क्वेश्चन है कि रेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस किधर होता है, जो मतलब ये उसके पास किस तरीके से जो है वो रजिस्टर को मेंटेन करता है, मतलब एक स्पेशल विसिनिटी पे एक रेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा उस एरिया की लोकेलिटी के जितने भी रेंट एग्रीमेंट्स हैं वो उसके पास सबमिट होंगे इस तरीके से। और जी मैडम बिल्कुल इसी तरीके से, जी मैडम बिल्कुल इसी तरीके से, सही बता रही हैं आप। ठीक हो गया आगे कहता है जी गवर्नमेंट ने स्टाफ भी रखना है, जो कोर्ट अपॉइंट किया है उसमें अलमद वगैरह भी गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल के जो कोर्ट्स होंगी उसमें जो स्टाफ है वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करके देगी। आगे कहता है जी आपका एक एप्लीकेशन जो है ना, एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट प्रिमिसेस। अब ये एप्लीकेशन आपका लैंडलॉर्ड भी दे सकता है और आपका और टेनेंट भी दे सकता है। कोई वायलेशन करता है तो दूसरी पार्टी चली जाएगी कोर्ट में, वो आपका अप्लीकेशन देगी। तो आप कहते हैं कि जी ये रेंट के दावे नहीं होते, ये एक्चुअली पिटीशन होती है, इसको पिटीशन कहते हैं, ठीक है, ये इसकी पिटीशन होती है। आगे कहता है जी आपका एफ एप्लीकेशन इज अंडर सबसेक्शन वन एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेंट आर डिस्ट्रिक्ट में टेक कॉग्निजेंस आर इंटरेस्ट द सेम टू अदर स्पेशल जज। के अब एक एडमिन जज को आप जाके करेंगे तो वो खुद भी सुन सकता है या फिर किसी दूसरे स्पेशल जज को भी भेज सकता है। आगे कहता है एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन वन शैल कंटेन कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ कंटेन क्लेम्ड शैल बी अकम्पेनीड बाई दी कॉपीज ऑफ आर लैंडमार्क। के आप जो अप्लीकेशन देंगी तो उसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाएंगी, जैसे कल हमने पढ़ा था 87 रूल और 14 पे कि जी आपके जो पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप जमा करवाएंगे, वो भी आप फाइल का हिस्सा बनाएंगे। आगे कहता है एप्लीकेशन इविक्शन ऑफ टेनेंट
landlord shall submit his affidavit not more than two witnesses along with the eviction application. अब जब बेदखली के दावा करेगा लैंडलॉर्ड तो वहां पे वो एविक्शन एप्लीकेशन के साथ एक वो भी लिखेगा, एविक्शन एप्लीकेशन के साथ दो विटनेसेस के एफिडेविट देगा. सपोज के मैडम सभा ने मैडम नईमा साहबा को प्रॉपर्टी दी, मैंने मैडम नईमा साहबा ने सबलेट की या पेमेंट ने की या उसको जो है ब्रीच की सेक्शन 13 की जो भी ग्राउंड्स होंगी उस ग्राउंड पे अगर वो इविक्शन में दायर करती हैं तो मैडम सभा खुद एक एप्लीकेशन देंगी. वो एप्लीकेशन के साथ दो विटनेसेस, मतलब ये अपनी की दोस्त कोई जैसे इनके दोस्त मैडम सभा मैडम नायला को साथ ले जाएंगी, शुएब साहब को साथ ले जाएंगी, इन दो पर्सन की भी अलहदा से एफिडेविट होगा के सिंपली. और बाकी कोई एप्लीकेशन देंगे तो सिंपली वही मालिक जो पर्सन है वो दे देगा. इविक्शन की एप्लीकेशन होगी तो दो उसके विटनेसेस भी साथ लगेंगे. अब ये वो सेक्शन आ गया कि जहां पे वो मालिक जो है किराया लेने से निकाल कर देता है तो वो उसका नौकर को मतलब वो जला जाता है कोर्ट में कि जी मालिक मकान में उसे किराया नहीं ले रहा, उसको कहो के किराया ले. ये है कि जी गवर्नमेंट मालिक मकान भी जिद हो जाते हैं कि जी मैंने किराया नहीं लेना, मैंने आपको निकलवाना है, आपने मुझे तंग कर दिया. तो 30 दिन तक किराया ना मिले तो वो भी एक ग्राउंड बन जाती है, इस ग्राउंड से बचने के लिए वो जो टेनेंट है वो बैंक में जमा करवा देता है. कहता है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, बावजूद इस के जी इस एक्ट में जो कुछ बताया गया है, कहता है इफ लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेंट, ठीक है, कि अ टेनेंट मे फाइल एप्लीकेशन इन रेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट, रेंट ट्रिब्यूनल शैल विदाउट प्रेजुडाइज द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड अलाउ द टेनेंट टू डिपॉजिट. अब कहता है कि विदाउट प्रेजुडाइज द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, यहाँ पे जब लैंडलॉर्ड के खिलाफ एप्लीकेशन आ जाती है तो प्रेजुडाइज नहीं किया जाएगा उसके राइट्स को, कि जी ये क्या है कि उसको उसको भी सुना जाएगा, ठीक है, उसको भी सुना जाएगी कि उसको भी सुना जाएगा आरडी अल्ट्रम पार्टम नो वन शुड बी कंडम नॉट, कि उसको भी सुन के फिर ऑर्डर किया जाएगा कि जी क्या उस ये बैंक में जमा होना चाहिए या नहीं, या क्यों उसने रिफ्यूज किया. एंड ट्रिब्यूनल शैल विदाउट प्रेजुडाइस द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड अलाउ, आरडी अल्ट्रम पार्टम, ये मैडम ये मैक्सिम है कि दूसरी पार्टी को लाजमी सुनना है, तासब नहीं रखना, ठीक है. तो उसको सुन के कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, शेल का वर्ड है, लाजमी उसको अलाउ करेगी और उसको इजाजत देगी कि जी आप जमा करवा दें. आगे कहता है रेंट ट्रिब्यूनल शेल इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड टू डिपॉजिट रेंट टेनेंट एंड मे पास द ऑर्डर परमिटिंग लैंडलॉर्ड टू कलेक्ट द सेम. अब जब उसके पास रेंट आ जाएगा, टेनेंट ने जमा करवा दिया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी उसको दूसरा उसको लैंडलॉर्ड को कहेगी कि जी आप अपना आए किराया वापस ले सकते हैं, किराया लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजेगी. 21, अब जब एप्लीकेशन आ गई, 19 में हमने एप्लीकेशन फाइल की, 20 में नोटिस किए जाएंगे और 21 में नोटिस किए जाएंगे. अगर पार्टी आ जाती है तो उनको प्रोसीड किया जाएगा, नहीं आती तो एक्स पार्टी का दिया जाएगा. ये कहता है इफ दी एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट और अदर एप्लीकेशन डिपॉजिट ऑफ रेंट इज फाइल्ड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू. सर 20 से मुझे एक क्वेश्चन है,
इसमें जो है वो एप्लीकेशन जो है वो टेनेंट फाइल कर रहा है ना, तो बेसिकली जो है वो टेनेंट ने कोई फेलियर ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं किया, बट जो है वो लैंडलॉर्ड जो है वो रिफ्यूज कर रहा है रेंट को रिसीव करने के लिए. तो एट द फर्स्ट स्टेज पहले वो रेंट डिपॉजिट होके वो रेंट लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड होगा, मतलब एविडेंस होगा कि मसला क्या है, क्या वजह है, इस तरीके से होता है सर. मैडम जैसे होता ना स्टे मिल जाना, स्टे के एग्रीमेंट तो है आपका 2 साल के लिए, कितनी के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 इयर्स का एग्रीमेंट है. अब किसी वजह से मालिक जो है किराया नहीं लेता, ठीक है, मालिक किराया नहीं लेता, तो ये एप्लीकेशन देगा कोर्ट को, कोर्ट उनको कहेगी कि जी आप किराया इधर जमा करवाएं, और मालिक मकान को रोक देगी कि जी आपने इसको बेदखल नहीं करना जब तक ये पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती और डिसाइड नहीं होती, ठीक है. तो उतनी देर जितनी देर पिटीशन हो सकता है, महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, तो ये तो नहीं है कि वो किराया ही नहीं देगा. किराया कोर्ट कहेगी कि जी आप बैंक में हमारे अकाउंट में जमा करवाते रहें, तो वो टेनेंट को कह देगी जी आपका किराया आया हुआ है, आप लेना है तो ले ले, बस ये तरीके का. फिर वो क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं कि जिसकी बेस पे जो है लैंडलॉर्ड रिफ्यूज करता है रेंट को एक्सेप्ट ना करने से? मैडम देखें सेक्शन 13 हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 13 हमने पढ़ा है, और उसके अलावा और कोई रेंट में कोई कंडीशन लगा सकते हैं, काफी कंडीशन आ सकती हैं. सर अगर वो तो ऑब्लिगेशन फेल करता है टैलेंट अपनी ना परफॉर्म करने से, चलिए वो तो एक वैलिड रीज़न है, अगर उसकी बजाय अगर कोई पर्सनल रीज़न है मतलब लैंडलॉर्ड की टैलेंट के साथ, वो ग्राउंड वो पर्सनल पर्सनल रीज़न पर्सनल ग्राउंड कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब कोई ऑब्लिगेशन अगर उसने फेल की है तो ठीक है वो वैलिड रीज़न है, उसके अलावा कोई भी ग्राउंड हो तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैं रेंट नहीं लेता. हाँ जी 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 चलती नहीं, वो जो मैटर होगा कोर्ट डिसाइड करेगी और प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी, किस वजह से नहीं ले रहा था वो देखी जाएगी कि अगर कोई फर्दर प्रोसीडिंग है तो ठीक, वरना कोर्ट खत्म कर देगी और उसको कहेगा कि जी आपने हर मंथ किराया पे करते रहना है इस. ओके आगे कहते जी अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कहता है इफ एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट अदर देन द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट, कहता है डिपॉजिट ऑफ रेंट के अलावा कोई भी एप्लीकेशन आती है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मतलब डिपॉजिट ऑफ रेंट के अलावा कोई भी एप्लीकेशन आती है, ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे पढ़ लें, सपोज ऐसे कर लें कि जी एफ एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर दिस एक्ट, दी अंडर दिस एक्ट इज फाइल्ड, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस द रिस्पोंडेंट टू इन्फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में आपका वो बताया बताया गया है, ठीक है, कि वो समन कैसे करना है, आपने समन कैसे करना है, ठीक है, समन कैसे करना है वो आपको मैं आपको बता एंड में दिखा देता हूँ, ये समन है, ये समन है, ठीक है, के वो आपका कोर्ट का नाम, केस टाइटल, टाइटल के मिस सबा वर्सेस मिस नईमा, और उसके बाद ये उसका नाम लिखा जाएगा,
मिस सभा का, और जिसको नोटिस भेजा जा रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, ये नीचे आपने फिल करके ये भेजना है। ठीक हो गया? अच्छा, वो आ गया, उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, किसको? दूसरी पार्टी को, इश्यू नोटिस टू रिस्पोंडेंट, दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट होती है, उसको नोटिस भेजा जाएगा, एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट इनफॉर्म शेड्यूल, ठीक है, ऑन द डेट नॉट लेटर देन 10 डेज थ्रू प्रोसेस सर्वर, ठीक है, ऑन डेट नॉट लेटर देन 10 डेज थ्रू प्रोसेस सर्वर एक्नॉलेजमेंट यू और कोरियर, ठीक है, प्रोसेस सर्वर एक्नॉलेजमेंट यू और कोरियर। अब देखें, थ्रू प्रोसेस सर्वर, प्रोसेस सर्वर कौन होते हैं? ये आपके कोड के नुमाइंदे होते हैं, ये कोड के नुमाइंदे होते हैं जो कि घर में जाके दे गए होते हैं। रजिस्टर्ड अकनॉलेजमेंट यू, इसको कहते हैं एडी, रजिस्ट्री के साथ एक डॉक्यूमेंट, एक कार्ड जाता है जिस पर्सन को जाना होता है, उसके बाद वो दोबारा उसी कार्ड के थ्रू वापस आता है, वही कार्ड जो उस पर वापसी का एड्रेस लिखते हैं तो वो कार्ड वापस आ जाता है, कि जो पता चल जाता है कि जी अगर उसने लिया है या नहीं। आगे कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस में आपकी TCS, OCS या आपका TCS, OCS इस तरह के और भी काफ़ी सारे हैं, ये सारे इस तरह करवाएंगे। ठीक हो गया? ये सारे इस तरह करवाएंगे। आपने वो कल मैं आपको दिखा भी रहा था, अब वो मेरा ख्याल है मुश्किल ही होगा। ये देखें, ये क्या है? ये एक्नॉलेजमेंट यू है, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट यू है, इसके साथ एक लेटर जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट यू है, उसके बाद ये आपकी कोरियर है, ये TCS आपकी कोरियर है। ठीक हो गया? और दो नोटिस आपने कोर्ट में देना होता है, वो आपके कल अदालती अहलकार लेके जाते हैं, ठीक है, वो अदालती अहलकार लेके जाते हैं। आगे कहता है नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल अकंपेनीड बाय द कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट विद दी एप्लीकेशन। अब जो नोटिस आप भेजेंगे, ठीक है, उसके साथ आपने वही एप्लीकेशन की कॉपी भेजेंगे, साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो भी आपने सारे भेजने हैं। आगे कहता है इफ रिस्पोंडेंट फेल टू अपेयर इन रेंट ट्रिब्यूनल एंड सेटिस्फाइड एंड अगर वो जो रिस्पॉन्डेंट है नोटिस किए गए लेकिन फिर भी वो नहीं आता, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सेटिस्फाई होता है कि जी नोटिस सर्व नहीं हुए, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि दोबारा नोटिस करवाएं, ठीक है, वो कहेगा कि दोबारा नोटिस करवाएं। कैसे करवाएंगे? आपने अब अफिक्सेशन करवानी है, क्या? चस्पांदगी करवानी है, इसको कहते हैं चस्पांदगी। इसके लिए आपका आर्डर फाइव रूल कौन सा है, कोई बताएगा? आर्डर फाइव के साथ चस्पांदगी का साथ आर्डर फाइव रूल कौन सा है? आर्डर फाइव रूल 17 है, ठीक है, आर्डर फाइव रूल 17 है, उसकी चस्पांदगी की जाएगी और आगे या फिर पब्लिकेशन की जाएगी, अखबार किया जाएगा। अखबार का आर्डर कौन सा है? आर्डर फाइव रूल, अल्ट्रा रूल 20। आप यह भूल जाते हैं, ये चीजें आप भूल जाते हैं, अल्टरनेट मोड में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या एनी अदर। आगे कहता है इफ नोटिस, अगर उसको लगता है कि नोटिस सर्व हो गए थे तो फिर एक्सपर्टी आर्डर फाइनल आर्डर पास कर देगा, एक्सपर्टी आर्डर फाइनल पास कर देगा। ठीक होगा जी?
आगे कहते हैं जी आपका, कहता है इफ एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट, इफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट द रिस्पोंडेंट मे विद इन 10 डेज फ्रॉम द नॉलेज अप्लाई द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट। आप देखें कि वो विद इन 10 डेज फ्रॉम नॉलेज, within 10 days from knowledge, देखें ex parte decree, ex parte order कब पास हुआ है, ex parte order पास हुआ है 1/1/2018 को। अब उस person को जो respondent है उसको पता चल रहा है date of knowledge क्या होगी, date of knowledge है आपकी 1/4/2018, ठीक है। तो यहाँ से उसका मतलब चौथे महीने से टाइम स्टार्ट होगा और वो कब आएगा, वो 11/4/2018 को आके एक तो एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे खिलाफ ये ऑर्डर सेट असाइड किया जाए, और साथ वो एक एप्लीकेशन देगा किस चीज की, लीव टू कंटेस्ट की, कि जी मुझे इजाजत दी जाए मैं इस एप्लीकेशन को कंटेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, लीव टू कंटेस्ट। ये इस तरह एक लीव टू डिफेंड होता है आपका ऑर्डर 37 का दावा, ऑर्डर 37 जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह ये जो है वो आपका, ठीक हो गया। उसके बाद आपका कहता है जी फाइव, इफ रिस्पोंडेंट शो सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस मे सेट असाइड द ऑर्डर एज डीम्ड फिट। अगर वो शो का प्ले का देता है जी मुझे वाकई नोटिस नहीं मिले थे, मुझे पता ही नहीं था, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट जो है उसकी एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड कर देगा, उसका ऑर्डर एक्स पार्टी जो होगा वो सेट असाइड कर देगा। आगे कहता है जी द पार्टीज मे अपीयर इन पर्सन एंड मे रिकॉग्नाइज एजेंट इन रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, पार्टीज जो है वो रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू, वो पार्टी खुद भी पेश हो सकती हैं, रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू भी पेश हो सकती हैं। रिकॉग्नाइज एजेंट के लिए ऑर्डर कौन सा है आपका सीपीसी का, रिकॉग्नाइज एजेंट के लिए ऑर्डर कौन सा है, आपकी अदम पैरवी, जब अप्लीकेंट ही पेयर नहीं होता तो उसको डिसमिस कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका डीएनपी, क्या डीएनपी आपका डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, dismiss to non prosecution, prosecution क्या इसको कहते हैं अदम पैरवी, non prosecution, ठीक हो गया जी। अगर non prosecution, आगे कहता है इन एप्लीकेशन dismiss due to non in dismiss in डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, डिसमिसल इन डिफॉल्ट इसको कहते हैं, जो आपका अदम तलवाना या अदम पैरवी खारिज होता है, डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस, डिसमिस ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो उसको डिसमिसल इन डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है। डिसमिसल ऑन मेरिट वो होता है जब दोनों पार्टीज को सुन के, एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन मे बी मेड विद इन 30 डेज, ये आपका 130 दिन के दिन आप एप्लीकेशन देते हैं इसकी, ये आपका 163 है आई थिंक लिमिटेशन एक्ट का 163 है जिस पे आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं विद इन 30 डेज, ठीक हो गया जी, विद इन 30 डेज आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं।
ठीक होगा जी, डिसमिस लॉर्डर दी कोर्ट जो है उसकी लिमिटेशन पे डिसमिस डिसमिसल को ख़त्म कर सकती है। अब 21 क्या कहता है, 21 कहता है कि जब भी अप्लीकेशन आ जाएगी 10 दिन का नोटिस किया जाएगा पार्टीज को, पार्टीज को नोटिस जब किया जाएगा नोटिस के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, साथ कॉपी भी जाएगी, वो नोटिस प्रोसेस सर्वर भी ले जाएगा, एडी भी किया जाएगा, कोरियर भी किया जाएगा। उसके बाद नोटिस अगर अनसर्व रहता है तो कोर्ट कहेगी कि जी चस्पांदगी करा दो और अखबार भी करा दो। अगर कोर्ट नोटिस सर्व हो गया है देन एक्स पार्टी डिक्री एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो जिस दिन उसको दूसरे रिस्पॉन्डेंट को नॉलेज होगा उसके 10 दिन के अंदर आके वो लीव टू कंटेस्ट देगा, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट जो है उसके लीव टू कंटेस्ट जब आएगा, कोर्ट अगर देखती है सफिशिएंट काज है तो, सफिशिएंट काज की डेफिनेशन मैं बार बार बताता हूँ कि सरकमस्टांसिस वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्लेंटिफ एप्लीकेंट, ठीक है, कि वो पैरालाइज था, डेड बेड रिडन था, ठीक है, तो ये आपका सफिशिएंट काज में आएंगे। अगर सफिशिएंट काज देगा तो एक्स पार्टी सेटिसफाइड हो जाएगा, उसके बाद वो खुद भी पेश हो सकता है और एजेंट के थ्रू भी पेश हो सकता है। आगे कहता है कि जी आपका अगर प्लेंटिफ नहीं आता अदम पैरवी हो सकता है, अदम पैरवी को सेटिसफाइड करवाने के लिए 30 दिन के अंदर आप अप्लीकेशन देंगे। आगे कहता है जब वो उसको अप्लीकेशन दी जाएगी तो उसको वो क्या करेगा, रेंट और लीव टू कंटेस्ट देगा। लीव टू कंटेस्ट कहता है दी एरन ट्रिब्यूनल में अलाउ शैल नॉट अलाउ रिस्पोंडेंट टू फाइंड टू डिफेंड द एप्लीकेशन अनलेस ऑब्टेन द लीव टू कंटेस्ट, अनलेस ऑब्टेन द लीव टू कंटेस्ट। जी वो पहले लीव टू कंटेस्ट देगा तो फिर उसका अपना केस डिफेंड कर सकता है, लीव टू डिफेंड पे ही अपना केस डिफेंड कर सकता है। आगे कहता है जी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट द रिस्पोंडेंट शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट विद इन 10 डेज फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, के जब वो कोर्ट में आ गया 10 दिन जब फिर हुआ 10 दिन के अंदर उसने लीव टू कंटेस्ट देना है। आगे कहता है लीव टू कंटेस्ट जो होगा वो रिटर्न रिप्लाई की फॉर्म में होगा, कि उसका आप पैरावाइज जवाब देंगे, पैरावाइज आप जवाब देंगे, जो आपके खिलाफ जो पैरावाइज पूछ रहा है वो उसका आपने पैरावाइज जवाब देना है। स्टेट ऑन द ग्राउंड लीव टू साइट दैट द अकंपेंड एफिडेविट एंड शैल बी अकंपेंड बाय एफिडेविट ऑफ रिस्पोंडेंट ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन इफ डिजायर्ड एफिडेविट नॉट मोर देन 2 विटनेसेस। अब जब वो अप्लीकेशन के लिए वो रिस्पोंडेंट आएगा तो अपना एक एफिडेविट देगा, ठीक है, अपना एक एफिडेविट देगा, साथ वो जो 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको देगा। आगे अगर वो उसके वो कंटेस्ट कर रहा है उसको दूसरा उसको इविक्शन को, तो वहां पे दो अपने साथ दो और भी विटनेसेस के भी वो एफिडेविट देगा, ठीक है, तो उस रात में दो और भी विटनेसेस के एफिडेविट देगा। ये कहा गया ठीक हो गया जी। आगे कहता है जी रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ द लीव टू कंटेस्ट अनलेस एप्लीकेशन डिस्क्लोज सफिशिएंट कॉज ग्राउंड्स प्रोडक्शन ऑफ ओरल एविडेंस, कि अगर आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो देन आपको लीव टू कंटेस्ट दिया जाएगा वरना नहीं, बस ये बातें हैं, वैसे लीव टू कंटेस्ट दे देते हैं। आगे कहता है जी आपका रेंट ट्रिब्यूनल Rent tribunal shall decide the application for leave to contest within 15 days. अब leave to contest 15 days में
डिसाइड किया जाएगा, फैसला किया जाएगा कि जी लीव, इनको लीव टू कंटेस्ट देना है या नहीं। कितनी दिन में? 15 दिन में, जब उस ये फाइल किया गया है। जैसे आज फाइल किया गया तो 15 दिन के अंदर कोर्ट ने कम से कम ये डिसाइड कर देना है कि जी इसका लीव टू कंटेस्ट बनता है या नहीं। आगे कहता है जी लीव टू कंटेस्ट इफ रिफ्यूज्ड ही फाइल्ड एप्लीकेशन लीव टू कंटेस्ट विद इन स्टेटमेंट एंड कोर्ट शैल पास द फाइनल ऑर्डर। अगर लीव टू कंटेस्ट वो रिफ्यूज हो जाता है या रिस्पॉन्डेंट जो है लीव टू कंटेस्ट देता ही नहीं तो कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास कर देगी। उसको कहा गया था कि लीव टू कंटेस्ट चलें जी आप 10 दिन के अंदर लीव टू कंटेस्ट दे दें, वो 10 दिन के अंदर नहीं दे पाता, ठीक है, या फिर वो उसका लीव टू कंटेस्ट खारिज हो जाता है तो कोर्ट जो है फाइनल ऑर्डर पास करेगी, कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी। आगे रिटर्न अप्लाई, आपका जो लीव टू कंटेस्ट होगा वही रिटर्न अप्लाई होगा, वही रिटर्न अप्लाई होगा। 24 में कहा गया जी पेमेंट ऑफ रेंट और अदर ड्यूज पेंडिंग इन प्रोसीडिंग इफ टेनेंस एविक्शन एप्लीकेशन इज फाइल्ड रेंट ट्रिब्यूनल व्हाइल ग्रांटिंग नो ऑन लीव टू कंटेस्ट शैल डायरेक्ट टेनेंट टू डिपॉजिट द रेंट ड्यू विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, अब रेंट प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, अब रेंट प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तो जब लीव टू कंटेस्ट देगा कोर्ट, तो कोर्ट टेनेंट को कहेगी कि जी आप जो है ये रेंट जो है टाइम टू टाइम पे करते रहना है, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट द सेम इन अकॉर्डिंग विद द टेनेंसी एग्रीमेंट एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल लैंडलॉर्ड इन टिल फाइनल ऑर्डर। ठीक है, कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट में मोड बताया गया था, मोड बताया गया था कि जी बैंक में जमा करवाना है, थ्रू मनी ऑर्डर भेजना है या कैश देना है, तो टेनेंट को कहा जाएगा कि जी आपने किराया टाइम टू टाइम पे करते रहना है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता आपने फाइनल जो है वो किराया पे करता रहना। आगे कहता है 2 में इफ डिस्प्यूट एज टू अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू ऑन रेंट दी कोर्ट ट्रिब्यूनल शैल डिटरमाइन दी शैल टेंटेटिवली determine the dispute and pass order to deposit the amount under subsection 1. Suppose के उसको plaintiff कहता है, आपका applicant कहता है कि जी किराया मेरा बनता है 1,00,000, वो respondent कहता है नहीं 1,00,000 नहीं बनता, आपका तो बनता है 80,000, ठीक है, आपको बनता है 80,000, तो जज जो है एक tentative assessment उनको कहेगा जी 90,000 आप जमा करवा दो, ठीक है, आप जमा करवा दो 90,000, बाकी बाद में एविडेंस से हम देख लेंगे, तो कोर्ट एक एक फिगर बता देगी कि जी इतनी किराया आप जमा करवा दो, बाकी जब जमा करवाते रहो मैं आपका फैसला एविडेंस लेके कर दूंगी। अगर कहता है इफ इन केस टेनेंट हैज नॉट पेड द यूटिलिटी बिल द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट द टेनेंट टू पे यूटिलिटी बिल। अगर टेनेंट यूटिलिटी बिल पे नहीं करता तो उसको कहा जाएगा कि यूटिलिटी बिल करे। इफ टेनेंट फेल टू कंप्लाई द डायरेक्शन दी ट्रिब्यूनल शैल पास फाइनल ऑर्डर। अगर टेनेंट जो है उसका ट्रिब्यूनल के कंटेम्प्ट करता है, उसके ऑर्डर की पासदारी नहीं करता, तो उसके पास अख्तियार है कि फाइनल ऑर्डर पास कर दे। आ गया जी आपका 25। कहता है एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू कंटेस्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट अ पार्टी टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस ऑन द डे फिक्स्ड ऑन द डेट ऑन अ डे फिक्स्ड। आगे कहता है जी आपका एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। अगर एट द टाइम ग्रांटेड कंटेस्ट रेंट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट द पार्टी टू प्रोड्यूस एविडेंस।